हेलो फ्रेंड्स, पिंड वाला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका फिर से स्वागत। और आज मैं आपके लिए वाईफाई की हैकिंग ट्रिक लेके आया हूँ कि कैसे आप किसी भी वाईफाई का पासवर्ड हैक कर सकते हो। तो ये ट्रिक लेटेस्ट है और ये 100% काम करेगी। ऐसा कोई भी फ्रेंड नहीं होगा जिसके पास ये ट्रिक काम नहीं करेगी। ये काम करेगी, 100% वर्किंग है और बहुत ही ईजी है। लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना, एंड तक देखना और ध्यान से देखना, कोई स्टेप मिस मत करना, आप अच्छे से वाईफाई का पासवर्ड हैक कर पाओगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करना है, मैं सैमसंग का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो जस्ट आपने एक गूगल प्ले स्टोर के अंदर जाना है फ्रेंड्स। तो प्ले स्टोर के अंदर तो यहाँ पे आपने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है आपके फ़ोन के अंदर। अभी मेरे पास कोई नेट पैक और वाईफाई नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे दिखा रहा हूँ कि पहले ये ओपन थी। तो यहाँ पे एक प्लेयर है, ES फाइल मैनेजर, इसको आपने डाउनलोड करना है। तो मैंने पहले किया हुआ है और अभी कोई नेट कनेक्ट नहीं है ऊपर, आप देख सकते हो यहाँ पे। अभी यहाँ पे वाईफाई और कोई ये ऐप मैंने पहले खोली हुई थी, इसलिए इसका वो आ रहा है, बैकग्राउंड में डाटा सेव हो जाता है ना प्ले स्टोर में, इसलिए। और कोई ऐप खोल रहा हूँ, ओपन नहीं हो रही और वाईफाई भी कनेक्ट नहीं है। इस फाइल एक्सप्लोरर को आपके फ़ोन के अंदर आपने इंस्टॉल करना है। उसके बाद अभी मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे पास कोई भी वाईफाई है लेकिन कनेक्ट नहीं है, ये पासवर्ड मांग रहा है। आप देख लो ध्यान से और वीडियो की टाइमिंग भी देख लेना। मैं कहीं भी वीडियो पॉज नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो को रोक के फिर मैं पासवर्ड फिल कर दूंगा। कई बार कोई फ्रेंड्स बोलता है बिना यूज़ किए कि फेक है, ऐसे है, वैसे है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई पासवर्ड नहीं है। और इसी ये जियो फाई का राउटर है, उसको हैक करूँगा मैं, तो यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट आपके फ़ोन की सेटिंग के अंदर जाना है और अबाउट के अंदर जाना है, अबाउट डिवाइस। तो अबाउट के अंदर यहाँ पे स्टेटस है, स्टेटस के अंदर जाना है फ्रेंड्स, और स्टेटस के अंदर नीचे चले जाना है। यहाँ पे एक सीरियल नंबर का वो होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन होगा स्टेटस के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो सीरियल नंबर, इसको जस्ट प्रेस करके रखना और अपने आप ये कॉपी हो जाएगा। और ये सीरियल नंबर आपने याद रखना है। अगर आपके फ़ोन में कॉपी की ऑप्शन नहीं है तो ये सीरियल नंबर सेम है जैसे है वैसे लिख लेना आपने और उसको याद रखना। उसके बाद इसको कॉपी करने के बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, जस्ट आपके उसी फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना है जो इंस्टॉल करवाया था मैंने ES। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इसको ओपन करूँगा ES फाइल एक्सप्लोरर को, यहाँ से कट। यहाँ पर आपने इंटरनल स्टोरेज ओपन कर लेनी है फ्रेंड्स। यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने जो तीन डॉट आ रहे हैं राइट साइड ऊपर, वहाँ पे क्लिक करना, ऑप्शन निकालनी। यहाँ पे न्यू की ऑप्शन आ रही है, न्यू के अंदर एक फोल्डर की ऑप्शन है, एक फाइल की ऑप्शन है। आपने फाइल की ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, फाइल की, याद रख लेना, फाइल की ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। और इसको सेलेक्ट करने के बाद फाइल को डिलीट कर देना, यहाँ पे वो सीरियल नंबर पेस्ट करके ओके कर देना। मैंने पहले किया हुआ है इसलिए यहाँ पे नीचे मेरे पास वो फाइल बनी हुई है, आप देख सकते हो RF8 न्यू सुपर क्रिकेट के साथ वाली जो है। यहाँ पे फाइल बना लेनी आपने उस सीरियल नंबर से। उसके बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, एक VPA टेस्टर लिख के एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है आपके फ़ोन के अंदर। तो वो सारे फ्रेंड्स को पता है उस ऐप के बारे में, तो VPA टेस्टर के नाम से एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है आपके फ़ोन के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो गूगल प्ले स्टोर के अंदर आपको मिल जाएगी VPA टेस्टर। यहाँ पे इसको इंस्टॉल करना, ओपन करना, उसके बाद एग्री करना आपने। गूगल प्ले स्टोर के अंदर आपको मिल जाएगी रूट, अगर रूट है तो भी काम करेगी, अगर रूट नहीं है तो भी काम करेगी। अगर रूट हुई तो फिर आपको पासवर्ड भी शो हो जाएगा अगर आपका फ़ोन रूट हुआ तो। अगर रूट नहीं है तो फिर भी कनेक्ट होगा लेकिन वाईफाई का पासवर्ड आपको नहीं पता लगेगा। उसके बाद ओके करना है। यहाँ पे ऊपर से यहाँ से स्कैन करूँगा इसको, ये नो कर दो। यहाँ पे आप देख सकते हो जिस वाईफाई के आगे ये आइकॉन ग्रीन हुआ, VPA लिखा हुआ, वही वाईफाई का पासवर्ड आप हैक कर पाओगे। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे नीचे अलग अलग पिन पे भी आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं कनेक्ट टू ऑटोमेटिक पिन पे क्लिक करूँगा। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये सभी पिन ट्राई करने लग जाएगा, जिस पिन के ऊपर वाईफाई हैक हुआ उस पर हैक हो जाएगा ये। तो अभी ये अलग अलग पिन ट्राई करने लग जाएगा और ऊपर अभी तक वाईफाई का वो नहीं है ना, मैंने पासवर्ड आपको दिखा दिया था कि फॉरगेट है। तो यहाँ पे अब पिन ट्राई कर रहा है, आप नीचे देख सकते हो टेस्ट पिन, और यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। आप देख सकते हो
यहाँ पे दीप एम्पायर 307 और ऊपर वाईफाई कनेक्ट हो चुका है और यूट्यूब के नोटिफिकेशन आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो ऐसे आप वाईफाई का किसी भी वाईफाई का पासवर्ड हैक कर सकते हो। ये 100% वर्किंग ट्रिक है और स्पेशल आपके लिए लेके आया हूँ मैं। आपने बोला था कि कोई ट्रिक लेके आओ वाईफाई की जो वर्किंग है, ये 100% वर्क करेगी आपके पास। और मुझे जिस जिसके पास ये वर्क करेगी वो कमेंट्स के अंदर, वीडियो के अंदर स्पेशल आके कमेंट देना मुझे कि ये वर्क कर गई है हमारे पास, ओके, ताकि जो दूसरे फ्रेंड्स को भी पता लग सकेगी। वर्किंग ट्रिक ही मैं आपके लिए लेके आता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो वाईफाई से, तो अभी वाईफाई अच्छे से चल रहा है। उस ऐप के जरिए आप इस किसी का भी वाईफाई हैक कर सकते हो। 100% वर्किंग ट्रिक है फ्रेंड्स, कोई चांस ही नहीं है। लेकिन स्टेप ध्यान से फॉलो करना फ्रेंड्स, कोई भी स्टेप मिस मत करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। आगे मैं ऐसी ही अच्छी और लेटेस्ट ट्रिक लेके आता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल के ऊपर आए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना फ्रेंड्स।